पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे तब चुनाव कराए, तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है, समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम। आज पटना उच्च न्यायालय के द्वारा नगर निकाय के चुनाव पर रोक लगाया गया, इससे यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के जिद में बिहार चल रहा है। नीतीश कुमार जिद मचाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 6 महीना पहले यह आदेश किया है कि आप कमिटी बनाए, और हम जब मंत्री रहे पंचायती राज विभाग के तब हम लोगों ने निर्णय भी लिया और इसको एडवोकेट जनरल के यहां भी भेजने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार इकलौते व्यक्ति है जिसने जिद मचाकर बिहार के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ना कमेटी का गठन किया। इससे यह प्रतीक होता है कि नीतीश कुमार अति पिछड़े विरोधी हैं, अति पिछड़ों का सम्मान नहीं चाहते, और जो कमेटी पूरे देश में बन रहा हो, मध्य प्रदेश में बनाने का काम किया गया, महाराष्ट्र में बनाने का काम किया गया, क्या बिहार उससे बाहर है? ये कहते हैं 2005 में हमने कमेटी बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा TTT की पूरी व्यवस्था को जांच करें, और ये कहते हैं नहीं सिर्फ जो हम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो आरक्षण दिया है उसी को हम लागू करेंगे। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। बिहार के नीतीश कुमार के जिद से बिहार नहीं चल सकता है, और ये प्रेशर देकर मैं आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार ने प्रेशर देकर राज्य निर्वाचन आयोग से जबरदस्ती चुनाव घोषणा करवाया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण।